चाबी मिल चुकी है भाई, मुझे तो डर लग रहा है उसके साथ। नहीं ना फोटोग्राफर हो भाई, रोड भी यहाँ की खाली है। एक चालान कट गया पता है हमारा। आंटी देखो पैसे भेजने मेरा अकाउंट। तो भैया एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वागत है। तो भाई चश्मा वश्मा देख के लग रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं घूमने जा रहा हूँ। वैसे मैं चश्मा पहनता नहीं हूँ आज, लेकिन ना टोंट भर भर के ना मतलब कि तेरा कॉन्फिडेंस नहीं है ये वो फलान दिखाना। मैं चलो आज चश्मा पहन के बाहर निकलते हैं। तो भाई ठीक ठाक लग रहा हूँ तो कमेंट कर देना, गंदा लग रहा हूँ तो भाई लाइक कर देना, तो भी बता देना, तो नहीं लगाएंगे अगली बार से। तो भैया कहाँ जा रहे हैं अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमारे प्लान ऐसे रहते हैं रैंडम वाले। तो हमने गाड़ी बुक करी है, तो गाड़ी की पूरी डिटेल दूंगा आपको, कितने की है, कैसी है, कहाँ से करी है, और विदाउट IDP। IDP मतलब बोले तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इंडिया वाला लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, उससे आप गाड़ी बुक कर सकते। ऐसे तो बता देंगे बाद में, पैसे भी नहीं बताएंगे ना वो चावर भाई। देखो वीडियो अगर दो पार्ट में आएगी तो सेकंड पार्ट में बताऊंगा पैसे, ठीक है? तो पैसे भी नहीं बताए जा रहे, और जगह भी सेकंड में ही, और जगह भी और कंपनी का नाम भी सेकंड में बताऊंगा कि कहाँ से बुक करी है हमने और क्या प्रोसेस है सब कुछ। बाकी अभी जा रहे हैं मुस्कान और नेहा उन दोनों के पास, क्योंकि मुस्कान का है बर्थडे इसलिए घूमने जा रहे हैं। मोहित भाई ने सदस्य के चक्कर में लेट करवा दिया और हमारी आंखों के सामने से बस गायब हुई है। और भाई अब हमें पैदल जाना पड़ रहा है, कम से कम 3 किलोमीटर तो होगा ही ना? अरे तीन तो होगा, 1 किलोमीटर बस। तो भाई 1 किलोमीटर ना ये पीछे जो बैग है ना ये लटका के इसके पास तो और भारी बैग है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, क्या पता हम स्टे भी कर लें वहाँ पे जहाँ भी जा रहे हैं कहीं, तो इसलिए कपड़े डाल के लेके जा रहे हो। भाई काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं ना कॉलेज दिखाओ कॉलेज, तो भाई आज मैं आपको ग्रिफिथ कॉलेज का बाहर से दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे रास्ते में पड़ रहा है, पड़ता तो बहुत बार है लेकिन मैं दिखाता हूँ। मैं अपना DVS नहीं दिखाया मैंने आज तक किसी को, जाएगा तो हाँ मैं जाता ही नहीं हूँ। मेरे को अभी एक काम पे बंदा मिला, उसको बोला मैंने कि मैं DVS में हूँ, तो कह रहा भाई कभी दिखते नहीं आप, मैंने भाई मैं जाता ही नहीं। तो चलो पहले मैं आपको ग्रिफिथ का बाहर से नज़ारा दिखाता हूँ कैसा यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाएगा। तो जो लोग भाई पूछते हैं ना कैंपस कैसा है, तो ग्रिफिथ का कैंपस NCI और DVS से तो काफ़ी अच्छा है, बहुत तगड़ा है, मतलब लगता है कि कॉलेज है। NCI और DVS कॉलेज नहीं लगते भाई, वो तो NCI लगेगा आपको मॉल, V3S, तो NCI तो काइंड ऑफ V3S है, और DVS तो भाई एक बस बिल्डिंग है दुकानों की, वहाँ पे कॉलेज खुला हुआ है। मैं वही तक ना फोटोग्राफर हो ये है ना, और मैं इसका साइड आर्टिस्ट हूँ है भाई। ये हमें गाड़ी दिखाएगी। गुड इवनिंग ना, सही में कब से बोल रहा हूं मैं। अबे यार अच्छा आपसे दिए तू ही ले सकता है इसका टैक्स। मेरे को जानवाओगे मैं ब्लॉग कैसे बताऊंगा। द लाइक टोल गेट चार्जेस लाइक हाउ वी पे द टोल। स्टॉप इन यू पे, सो व्हेन यू गेट टू द बैरियर यू पे द स्टाफ कैश कार्ड एंड देन यू ओपन इट। So, तो भाई चाचा को चाबी मिल चुकी है मेरे नाम पे, क्योंकि बेचारा लाइसेंस लाना भूल गया। क्या अरे चाचा वेरी क्लीन, वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी स्पेशियस। तो भैया अपने पहले स्टॉप पर रुक चुके हैं हम। जैसे हम सिटी से बाहर निकले ना, हम एक गोल चौराहे पे हमने कम से कम 3 या 4 राउंड काटे जब जाके हम बाहर निकले वहाँ से, क्योंकि गूगल मैप पे दिखा रहा था बार बार। तो भाई वहाँ पे हमने 3-4 राउंड काटे, उसके बाद हम जाके बाहर निकले। अब फाइनली जाके डबलिन से 50 किलोमीटर की ड्राइव करके अब ये कहीं रेस्ट रूम वगैरह मिले हमें, मतलब पेट्रोल गाड़ी में फुल दिया था उसने पूरा, उसने चार्जेस काट लिए थे इस चीज़ के। बाकी अब हमें आके फुल देनी है उसको टंकी। तेरे तो बर्थडे तो जाएगा भाई, एक चालान कट गया पता है हमारा, पता नहीं कटा नहीं कटा लेकिन कट जाएगा जहाँ तक, क्योंकि क्या था मैं बातों में लग रहा था, रेड सिग्नल हो रहा था वहाँ पे और मैंने गाड़ी आगे निकाल चुका था, फिर मैं हाफ रोड पे क्या ही खड़ी करता। तो मे बी अब हम कल जब जाएंगे गाड़ी वापस करने तब हमें पता लगेगा कि चालान हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि भाई हम बहुत लेट हो चुके हैं, हम कहीं घूम नहीं पाएंगे, 2 बज चुके हैं। कोशिश करेंगे कि नहीं रुके, क्योंकि अब खाना भी ले लिया, खाना भी ले लिया, मतलब ये लेना जरूरी था, क्योंकि अभी यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है अभी फिलहाल, तो मजा आ रहा है अब तक तो। बाकी देखते हैं, एक बहाना हो गया लेकिन मेन बहाना था वॉशरूम, मेन तो देखो वॉशरूम था ही भाई।
ड्राइविंग पे बैठ चुकी है हमारी मुस्कान, बहुत देर से जिद कर रही थी गाड़ी दे दो गाड़ी दे दो, मेरा चालान कटा अगर ठीक है ध्यान दे ठीक है। तो भैया अभी अभी पैसे दो जरा हाँ आंटी देखो पैसे भेजने मेरे अकाउंट में। या अभी हमारा रह रहा है कम से कम 100 किलोमीटर का रास्ता ठीक है, हमें पता नहीं हम जा कर रहे हैं। सबसे पहली दिक्कत ये टाउन पैट्रिक हेड कोई जगह है वहाँ जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता क्या है वहाँ पे, बट फिलहाल जो रास्ता चल रहा है बहुत खूबसूरत है, सिंगल वे है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है सिंगल वे, अगर थोड़ा हाईवे होता ना हम जल्दी पहुंच जाते, लेकिन अभी दिखा रहा है 2 घंटे 2 किलोमीटर के लिए मिली नहीं, लेकिन एक बात है इधर राइट राइट में पहाड़ है वो दिखेंगे कैमरे में आएंगे ना। अच्छा एक बात तो बताओ सुन, सामने देखते हैं लेकिन इंडा में गाड़ी चलाई है तूने, यहाँ पे और इंडा में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इंडिया में डिफरेंस ये है कि मतलब अगर आपको चलानी है तो चलाओ सीधी सीधी चलाओ सीधी चलाओ मतलब तरीके से चलेंगे। अब यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि आप टू स्लो डाउन स्पीड और कोई आ रहा है, रूल फॉलो करने पड़ते हैं मतलब। क्योंकि ये गाड़ी भी ऐसी हमें मिली है जिसमें पता नहीं ऑटोमेटिक कुछ है, अगर इंडिकेटर नहीं देंगे तो हम वो नहीं कर सकते ओवरटेक, मतलब कर सकते हो लेकिन तब भी हैंडल थोड़ा हैवी रहता है। अबे ये तो बता दे कि यहाँ रोड भी काली इंडिया की तरह, भाई रोड भी यहाँ की काली है सही में। ये पॉइंट मोहित मोहित तू ऐसे पॉइंट पकड़ता ना इसीलिए तेरे को साथ रखता हूँ हर टाइम सही में। भाई देखो आयरलैंड कुछ अलग नहीं है, चांद यहाँ भी निकलता है, रोड यहाँ भी काली है भाई, हम डाल देते हैं ऐसी बकवास है। देखो पेड़ भी सब ऐसे ही मतलब सब कुछ खेत में बराबर में चल रहे हैं, सब कुछ यही है भाई नॉर्मल। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कॉर्बेट आ गए हूँ जिम कॉर्बेट, तो भांग यहाँ पे गांजा पीते हैं। और हम अभी हमारी ड्राइवर पता है मुस्कान जी चला रही है, और भाई मुझे तो डर लग रहा है उसके साथ, खतरनाक ड्राइवर है भाई। मैंने तो अपना वो भी चेक कर लिया कि कवरेज है एक्सीडेंटल या नहीं है। तेरा बर्थडे आज वाइन नहीं पिलाएगी हमें? पूरा बार है आपके नाम। देखो कितने बेशरम आदमी अकेले अकेले सॉफ्टी खा रहा है भाई, पूछा था पूछना अलग होता भाई, बंदा फॉर्मेलिटी के लिए मना कर दे, बंदे के पास पैसे दो फिर क्या करोगे? तो फॉर्मेलिटी मना होगी यार। देखो कैसे बेशरम दोस्त है कसम से भाई, तो तुम बेशरम हो ना, हाँ बोलो। वाह भाई अभी रह रहा हमारा कितने घंटे का? एक घंटे का और हमें ये नहीं पता हम जा कर रहे हैं अब तक, हो सकता है रात को हम वापस भी आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है।